पानी है नीला नीला, यहाँ कौन है आएला? ओह बिल्ला ब्रदर्स है, वेलकम बिल्ला ब्रदर्स। वाह क्या बात है भैया। और इससे भी अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देख मेरा सर्फ बोर्ड। वाकई में अच्छी बात है। इसमें एक खास बात है, ये पूरे 2.5 किलो का है। ए रेत हट जा। ए भैया ये तो बहुत खूबसूरत है भैया, मुझे भी इसकी सवारी करनी है, प्लीज भैया प्लीज, सिर्फ एक बार। ओगी तेरे लिए ये नहीं, वो वाला है। ए इतना बड़ा मैं चलाऊंगा कैसे? जैसे भी चला मैं तो चला, आज तो मैं इस 2.5 किलो के सर्फ बोर्ड से पानी पर उड़ने वाला हूँ। भैया यू आर अमेजिंग। ओए तू भी आ जा। आता हूँ भैया। ए ये इतना भारी है, ए गिरना नहीं। ये तो मुझ पर ही गिर गया, ये तो कुछ और लोगों पर भी गिरा है। ए सॉरी मैं उठाता हूँ। ए रुक जा मुझे भी आने दे। आओ मेरी बाल्टी बन गई, आओ आओ मेरा मुंह कांग गया। सॉरी बॉब मैं तुम्हारा मुंह अभी निकालता हूँ। आओ कैसे निकालोगे? निकल गया। तू मेरी बाल्टी पे खड़ा है। उप्स सॉरी। बाय बॉब, सी यू लेटर। बेटर सी मी नेवर। ए मैं तो थक गया। ओ योगी जल्दी आ, आजा। कैसे आऊं? हाँ समझ गया। आओ। अरे बॉब को क्या हो गया? तूने ये बोर्ड मेरे सर पे मारा। बहुत जोर से लगा क्या? अभी बताता हूँ। कैसे? ऐसे। काफी जोर से लगा। ठक 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 ठक। आओ बन गया तेरा पिज्जा, अब करता हूँ डिलीवरी। ए मुझे कहाँ भेज दिया? ए हट जाओ मछलियों। ए मैं पानी के अंदर कैसे आ गया? मुझे बाहर जाना है। ए मुझे कोई प्लीज बाहर निकालो। भैया भैया मुझे बचाओ। ए मैं तो रुक गया। ए ये क्या, मैं बाहर आ गया? ए मैं तो फिर से अटक गया। ए कोई मुझे किनारे पर ले जाओ भैया। लगता है मैं किनारे पर आ गया। ए, लगता है सब लोग चले गए, अब कोई नहीं आएगा। वाह लगता है अब बिल्ला कभी नहीं उठ पाएगा। अच्छा है। मैंने इसे रोक दिया। अब मुझे रोक बिल्ले, ये ले ये ले ये ले ये ले। ओए बड़ा मजा आ रहा है, लहरों के बीच में से निकलने का मजा ही कुछ और है। Yes, I've done it. आओ मेरे पास आओ। ओए तू अभी तक यहीं पर अटका है? ए बन गया मेरा बोर्ड। ये कैसा बोर्ड? I am so bored. किसने मेरे सर की ये हालत कर दी? ओए पर ये किया किसने? तूने। कौन तूने? कहाँ है तूने? हाँ अभी दिखाई देगा। ठक 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 ठक। भैया आप मेरा वाला ले लीजिए, मैं दूसरा बनाऊंगा। थैंक्स ओगी। चल ओगी काम पे लग जा। बड़ी शांति है यहाँ, आ गया शांति फैलाने वाला। बिल्ले तो तैर रहे बाबा, अपुन भी तैरेगा। ये देख अपुन का बोर्ड। हमें भी चाहिए। ये तेरा, मेरे को भी। और ये तेरा, ये हल्ला बोल। कितनी बार बोलते रहे, निकल ले भीड़ू। मजा आ रहा है ना होगी? उस बड़ी वाली लहर में मेरे साथ चल, बड़ा मजा आएगा। नहीं भैया मुझे डर लगता है। तेरे को तो जाना पड़ेगा रे बाबा, क्योंकि तेरे वाले बोर्ड को तेरे भाई के बोर्ड से बांध दिया रे, एकदम मस्त। ओ कमान होगी। नहीं भैया आप अकेले जाइए। और क्या कहा, ठीक है मैं अकेले ही चला जाता हूँ। मैं क्यों जा रहा हूँ? मुझे बचाओ। ओए लहर मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों आ रहा हूँ? मुझे बचाओ। आज तो मैं इस लहर को चीर दूंगा। ओए मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओए मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ होगी। नहीं भैया ओए मजा आ गया और मुझे नहीं आया। आई एम द बेस्ट। ओए मैं तो अटक गया। ओए मैं क्यों अटक गया? ए भैया ओगी कहाँ रह गया? ओए ए इतने सारे कौवे मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? पता नहीं अब क्या होगा। ए मैं तो गया। ए
से पानी के नीचे आ गया, मुझे बचाओ, ए, मेरे मुंह से पानी निकालो। पानी नहीं रहा, पानी में से मछली निकालो और पेट में डालो। इस लहर का तो मैं उल्टा सामना करूंगा। आजा लहर आजा, ओए, मुझे बचाओ। समंदर के अंदर स्विमिंग पूल मस्त है ना? क्या क्या जहाज बाजू में हट जा। नहीं सुना, देखा पेट्रोल लीक हो रहा है। अरे पेट्रोल बर्बाद मत करो, पेट्रोल महंगा है। ए, भागो। अपुन भी भाग रहे लोग बाबू। फिकर मत करना, होगे पेट्रोल लीक हुआ है, आग मत जलाना, धूम्रपान निषेध। वाह बोबो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये कैंडल तो हटाओ। वाह, कई कैंडल पानी में, सॉरी पेट्रोल में। क्या इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि सुनामी आ गई, और ये इतने बड़े थे कि पूरी पृथ्वी को निकल गए। इसका नाम तो कॉकरोच सुनामी होना चाहिए था। मुझे यहाँ से निकालो। सब लोग तो अपन की वजह से आइसक्रीम बन गए मामू। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ओए मैं तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। निकलने भीड़ू कॉकरोच गैंग, जल्दी जल्दी भाग रहे बाबा, नहीं तो लोग बहुत मारेंगे। इतनी देर कॉकरोच सबके पीछे भागे, अब सभी लोग कॉकरोचों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा ये क्या, आईफेल टावर, ये तो फ्रांस में है, यहाँ कौन आ गए? ओह, मिस्टर बिल्ला इज हियर। ए, कितनी सुंदर बिल्डिंग है ये, इतना ऊंचा टावर बनाया पर यहाँ कोई नहीं रहता, बिल्डर का कितना नुकसान हुआ होगा। सॉरी भाई, फ्रांस जिंदाबाद। ये क्या, क्यूट सी डॉली। मैं जाऊंगा, जरूर देखूंगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, सबसे आगे वाली सीट देना। क्या बात है, मजा आएगा। डॉली का डांस परफॉर्मेंस करीब से देखूंगा। चलो अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो टावर के ऊपर भी जाता हूँ और ये सुंदर शहर देखता हूँ। मैडम जी, मुझे टावर के ऊपर जाना है, उसकी टिकट दीजिए। ये क्या, सीढ़ियों से जाने के 3 यूरो और लिफ्ट से 3,000। कोई बबात नहीं, मेरे पास 3 यूरो है, मुझे सीढ़ियों की टिकट दीजिए। थैंक यू। मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। ये क्या, इतनी लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते मेरे पैरों की तो बैंड बज जाएगी। लिफ्ट की क्या हालत है, कितना आसान है लिफ्ट से ऊपर का सफर, मुझे भी करना है। लेकिन चोरी चुपके, कोई देख तो नहीं रहा। ओगी चुपचाप लाइन में खड़ा हो जा, पता नहीं ये लिफ्ट कब आएगी। लिफ्ट नहीं आएगी लेकिन मैं आ गया, ए विदाउट टिकट। ए, आप कितने सुंदर दिखते हैं, जी करता है आपका फोटो खींच लू। ऐसा फोटो बिटो खींचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ इज लॉ। अब ये लो, ये लो लिफ्ट के 3,000। अब तो ठीक है, अब क्यों रुका है, चल। वो तो जाऊंगा ही वापस आने का। बड़ा आया पुलिस वाला, मुझसे पैसे ले रहा था। मैं तुझसे नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। पुलिस होगा तू, अपने घर पे होगा, हिम्मत है तो अब आ। क्या बोला, फिर से बोल। मैं कहाँ से बोलूंगा, तो खा वोकल बाबू के फटके। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है। जो दिख रहा है सही दिख रहा है मामू, अभी नीचे देख। क्या है नीचे, कुछ नहीं बचा रहा नीचे, क्योंकि मैंने क्यूट डॉली वाला टिकट उठा लिया ना बाबा। अभी निकल ले भीड़ू। ए, मेरा टिकट मुझे लौटा दो। क्या तुम तो मुझे लगे रहे, मालूम है नहीं देखा फिर भी मांग रहा है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ, सामने का दिखना बंद क्यों हो गया, शायद रिचार्ज करना होगा। अब देखता हूँ। मामू सामने छोड़, नीचे देख। क्या है नीचे, इतनी ऊंचाई पर हूँ मैं, अभी उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने वाला है मामू। मुझे नहीं गिरना, गिरना तो पड़ेगा। एक मस्त कोन आइसक्रीम देना। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, लगता है ये तो ट्रेन है। बिल्ला ट्रेन है लेकिन लोकल ट्रेन नहीं है, ये हवाई जहाज का स्पीड से चलती है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, हम लोग क्या करेंगे, क्यों डॉली का डांस और तू देख कॉकरोच गैंग का डांस।
बच गया, मेरा सर भी बच गया और मेरे सर के बाल भी बच गए। मामू तू बाल बचाओ, हम लोग भी करते हैं। रुक जा, मुझे भी अंदर आने दो। हाँ खोलो ये ढक्कन। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज। अरे पिया का कर था, आज का पास टिकट ना है का? अरे पीछे देख। अब ना है समझा? अब कुछ समझा तो है? अब समझ गया। अभी तेरी बहन बचेगी, ये तो समझ रहे हैं। नहीं, लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। ट्रेन के ऊपर से ना सही, ट्रेन के नीचे से तो मैं ट्रेन के अंदर जा ही सकता हूँ। बस अब ये दरवाजा खुलने की देरी है। खुल जा सिम सिम। खुल गया, मैं अंदर आ गया। मैं तो हाथ आ ही अंदर आ गया। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ सर, ऐसा जल्दी ट्रेन में आधा बॉडी लेके चलना गलत है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ये ट्रेन रोक देता हूँ। ये ट्रेन तो बेकाबू होके हवाई जहाज बन गई। अच्छा ये तो शॉपिंग सेंटर है। मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे पास पैसे नहीं लेकिन कार्ड है। हवाई जहाज बनी ट्रेन अब मोटर कार बन गई और लोगों को कुचलना शुरू। ये क्या, ये मुफ्त की सवारी है, घर आते ही उतर जाओ। ये क्या, इसने तो गाड़ियों को भी कुचल डाला। अब ये पानी में भी चली गई। अच्छा ए, ये ट्रेन तो वाटर प्रूफ लगती है, पानी में भी कुछ नहीं होता। क्या बात है, इस ट्रेन ने कोई शहर के लोगों का रास्ते पर चलना ही मुश्किल कर दिया है। अच्छा है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ये क्या, ये यहाँ कैसे आ गई? अब तो दरवाजा खोलो। खुल गया। कभी रास्ता खुल गया, निकल ले। रुक जाओ, चढ़ जा रहा बाबा और इसी जगह चल जा बिल्ला, अपने को कभी भी ना पकड़ना। अरे वैसे कहीं भी जाए बिल्ला हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। आज तो मैं इन्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा। पीड़ू सामने बाहर का रास्ता, निकल ले। रुक जाओ, मैं भी निकलूंगा। निकल गया मामू, नीचे देख। क्या कहा? मैं तो बच गया। अब तो पूरा गया। मैं अंदर खड़ा होके रेलगाड़ी वाला गाना गा रहा था, तभी एक बिल्ला सचमुच की रेलगाड़ी लेके आया। एक मिनट साहब, आप इधर आओ। ये वापस आया? वाह क्या बात है, क्या डांस है। जी करता है फोटो निकाल लूं। ये डांस यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है तो सामने से कितना सुंदर लगता होगा। आज दिन है कुछ खास, आसपास है हरी घास, लगी है जोश की प्यास। अब ये कैसी घास? घास नहीं, ये मिट्टी से बना तेरा भाई है ओगे। जोर लगा के हैशा। पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया। 2.5 किलो हो या 250 किलो का, आई हैव पापा'स पावर। अरे जूस पीना छोड़ और जाके उसकी मदद कर। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा। क्या बिल्लो, ये बिल्ला सचमुच ऐसा बनाएगा कि अब उनको मामू बनाने लगे? मालूम नहीं रे बाबा। लगता है ठाक रहा है। तो अपन इसको खर्चा पानी दे डालेंगे। घबराओ मत भैया, आपका छोटा भाई आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेके आ रहा है। खाना लेके मैं निकला भैया के लिए। बिल्ला, ये टावर है या आईफेल टावर? तेरा खाना तो रास्ते में ही ठंडा हो जाएगा। टाउन का खाना ठंडा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये क्या, बिल्ला बन गया भीगी बिल्ले। ओए, खाना गया नीचे। वेरी सिले। देखो बड़बोला डॉन बन गया मौन। भैया मुझे बचा लो भैया। ओए तुझे क्या हुआ भैया? ओए चांद सिर्फ चंद फीट की दूरी पर है, ये देखोगी। इसे तू चांद दिखाया परे, कोई फायदा नहीं। चलोगी स्लीप टाइट ऑन हाइट? अरे बाप रे, एक तो नाइट ऊपर से ही हाइट।
अरे अरे इसके तो नोक टूट गई, शार्पनर किधर मिलेगा? वो देख बिल्ला शार्पनर। वाह कॉकरोच, तेरी बात में पॉइंट है। थैंक यू फॉर योर मदद। ओए ये क्या, इतनी रात को कौन काम कर रहा है? ओए ये तो ऑगी है, क्या करूं इसका मैं? ओए आइडिया। भैया बचाओ, सॉरी बचाओ। अरे बिल्ला ऐसा मत कर, वरना इस म्यूजिक के डर से ऑगी कभी सो नहीं पाएगा। बकवास बनकर, देख वो सो गया, चलो धीरे धीरे जाके मैं भी सो जाता हूँ। देख बिल्ले, मैंने कहा था ना ये कभी सो नहीं पाएगा, अब देख। तेरा चानस गया रे बाबा, अभी मेरा चानस, हट बाजू में। अबे रुक जाओ, अब मेरी बारी है। अरे ये आवाज कैसी है? संभाल बिल्ला। ओए क्या हुआ? ओए अब चिड़िया चुग गई खेत, आज तक कभी सीधे रास्ते नहीं चला, आज चल रहा है, शाबाश हो गए, आज सब तेरे पीछे भागेंगे। कॉकरोच गैंग सारी करेगी बिल्ले की उल्टी सवारी। ओए भाई रुक जा। अबे नीचे देख नीचे। ए बिल्ले संभाल, नहीं तो नीचे गए। इसकी पलके खींचे, ये भी जाएगा नीचे। भैया मुझे बचा लो भैया। रुक जा। इसे कहते हैं भाई, भाई को बचाने खुद कूदा खाई। ओए मैंने बुलडोजर उड़ाया। बिल्ले तेरे दिमाग ने क्या आइडिया छोड़ा, अपने आप से ही तूने अपना सिर फोड़ा। रुक जा भाई। ओए तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, अब क्या करेगा, तोड़ दूंगा। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अब क्या करेगा? ओए नहीं तेरी विकेट को। ओए मैं तो फंस गया। ओए इसका तो ऑमलेट बन गया, अच्छा है। एक दो और ये तीन, अब ये मामू जाएगा नीचे। ओए नहीं बिल्ला, मैंने उसके पीछे। मामू कब तक रहेगा पीछे? वन टू, जब तक वो गिरेगा नीचे। जा रहे नीचे जा। क्या हुआ बिल्ले, बहुत उड़ रहा था, अब तुझे कौन बचाएगा? वाह क्या बात है, गया बिल्ला सीमेंट। भाई मैं आ गया हूँ, तू कहाँ है भाई? ओह ये तो सुकून से सो रहा है, चलो मैं भी थोड़ा सो जाता हूँ। ओए ये क्या है? कॉकरोचों क्या दिमाग पाया है, बिल्डिंग को नीचे से उड़ाया है। चलो सूरदास, तुम्हारे साथ तो यही होना था। बिल्डिंग हुई तहस नहस, एफिल टावर गिर गई, ऑगी की नींद खुल गई। गुड मॉर्निंग भैया। भैया अच्छा आज बहुत दिनों बाद भैया खाएंगे मेरे हाथ का खाना। भाई जल्दी लाना। वाह बिल्ले, भाई के लिए दर दर की ठोकरें खाई, अब खाना खा ले। और कॉकरोचो तुम तो भूखे ही सो जाओ। हाथ को आया और मुंह न लगाया। बाबा आज कितने
इतने वर्षों बाद ब्रश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दांत तो चमकेंगे ही। कौन है भैया? ओए सिर्फ भैया नहीं, भाभी और भतीजा भी। भतीजा? मैं हूँ भतीजा, मैंने अभी खाया है पिज्जा। मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। स्वीटी, ये तुम ही हो ना? हाय। सुनोगी, हमें शॉपिंग पर जाना है तो इसका ध्यान रख, तब तक मैं और तेरी भाभी जरा जाकर आते हैं और तू इसे संभाल। ठीक है भैया, हम लोग शाम तक आते हैं। चल स्वीटी, देर हो रही है, चलते हैं। बाय योगी, थैंक यू। आप मेरे चाचा हो ना, मैं आपके साथ मस्ती करूं? ओ सॉरी, मैं आपको मुक्का मारूं? इसका हाथ तो भैया की तरह 2.5 किलो का है। चल अब चुपचाप चलकर सो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं, नो खाना, मुझे आपको मार खिलाना है। ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, बहुत फोड़ फोड़ करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी मजबूरी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सोना अंकल, मुझे नहीं सोना। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह इस झूले में सो जा, बिना झिक झिक किए, तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सोना, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बिल्लू, बिल्ले का भतीजा। बिल्लू लोग ध्यान से सुनो, ये बिल्ले का भतीजा बहुत काम की चीज है। इसका दिमाग बिल्कुल खाली है। अपन भतीजे के पास जाएगा, उसको उठाएगा और अपन के अड्डे पे लेके आएगा। फिर अपन बिल्ले को बताएगा और मामू से उसके भतीजे के बदले में पैसा लेगा। इन शॉर्ट सर्किट, बिल्ले का भतीजा मतलब पैसा, समझा पंटर लोग? मैं तो बौखला गया बाबा। मामू कहीं का? बीड़ू कोई नहीं है, हल्ला बोल। अरे जरा देर है बोलना रे बाबा। पता नहीं अंकल खाना लेके कब आएगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अपुन को भी पैसे की भूख लगे लिए माऊ, आ जाओ सब लोग। ये चिरकुट लोग कौन है? बीड़ू बोला ना, दिमाग खाली है। मैं इसको मारूं? एक चिरकुट को मार के मजा आया, अब बाकियों को भी मारूंगा, लेकिन अलग स्टाइल से। मैं हूँ भतीजा, मुझसे कोई नहीं जीता। सॉरी भाई लोग, लास्ट टाइम अपनी बैंड बज गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होएगा। इस बार अपन रस्सी से उसको उठाएंगे और उसको स्केटबोर्ड पर बिठा के स्केटिंग कराते भगा के ले जाएंगे। उसके बाद पैसा ही पैसा। क्या ठग रही है? मुझे ऐसा वजन वजन क्यों लग रहा है? तैयारी हो गई है, अब भतीजे को उठा ले रहा बाबा। अरे मैं अचानक ऊपर क्यों जा रहा हूँ? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये क्या? आजा नीचे। तुम्हारा खाना और चड्डिया मैं ले आया हूँ। अंकल, ये कौन था? कौन नहीं अंकल, मैं हूँ आपका भतीजा, मुझे बचाओ। ये तो भतीजा ही है, डरना मत भतीजे, मैं आ रहा हूँ। आजा भतीजे, बाय बाय कॉकरोच। आगे स्पीड ब्रेकर है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन ये ब्रेक लगता ही नहीं है। मैं तो गया, लेकिन मैं तो बच गया अंकल। इतनी जल्दी नहीं मामू भतीजे, इसको तो ठीक से उठा ले बाबा। रुक जाओ, ये क्या? मुझे बचाओ। अभी बचाता हूँ। अंकल आपने मुझे गिरा दिया। बच गया, अब उसे बचाना है। अंकल मुझे बचाओ। अंकल डरना मत भतीजे, मैं तेरा चाचा आ रहा हूँ। आओ, आज संडे है, बर्तन धोने का दिन है। आओ, ये कौन आया मेरे घर में? सॉरी बाप, आज संडे है, तुझे धोने का दिन है। मुझे बचाओ प्लीज। अरे थोड़ा वजन है, लेकिन उठा ले रहा बाबा। अरे मैं क्या करूं? हाँ चाकू, मुझे चाकू चाहिए, इस चाकू से मैं बच जाऊंगा। बीड़ू, ये तो अपुन को इस खींचने में। मुझे चाकू चाहिए। ये क्या, गैस चालू कर दिया? आज ये भतीजा जरूर सबकी बैंड बजाएगा। अच्छा है, चाकू चाहिए। पकड़े रहना बीड़ू, छोड़ना नहीं। अरे ये पैसे के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा मालूम नहीं रे बाबा। चाकू चाकू चाकू। वाह क्या बात है, लंगोटधारी बिल्ले के बेटे ने तीनों कॉकरोचों को उठा के अलग अलग जगह पटक दिया। मेरी तो बैंड बज गई, मैं तो बौखला गया रे बाबा। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया बिल्लू।
मुझे चाकू चाहिए, चाकू चाहिए मुझे, चाकू, मैं आ रहा हूँ। ए, 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 मैं आ गया, मैं जा रहा हूँ। इस भतीजे ने मेरी नाक ही कटवा दी। अंकल मुझे बचा लो, अंकल नहीं छोड़ूंगा, अंकल। हे डरना मत भतीजे, तेरा चाचा तुझे बचाने आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा, अंकल पहले मुझे छुड़ाओ। मैं आ रहा हूँ भतीजे। कॉकरोचो, आज तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तो गया, मैं भी आ गया अंकल। रुक जाओ मामू, तू वहाँ क्या कर रहा है? अंकल मुझे बचाओ, अंकल। डोंट वरी, मैं तुझे पकड़ लूंगा, कूद जा। ए, मैं कहाँ हूँ? ए, तू मेरे ऊपर है भतीजे। मतलब मैं बच गया? सब हंस रहे हैं, लेकिन गैस कौन बंद करेगा? हा? जल्दी चल स्वीटी, अपना बच्चा रो रहा होगा। बच्चा नहीं, अब पूरी दुनिया रोएगी। अच्छा है भैया, ये लीजिए आपका बेटा। हाय पापा। ओए हाय मेरे बेटे, थैंक्स ऑगी। मेरे भतीजे का ध्यान रखिए, बाय। मैंने कहा था ना ऑगी के पास रखते हैं, बेटे को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ हो गया। बाहर भारी बर्फ बारी, अंदर बिल्ले की सजावट जारी। अच्छा, वाह कितना सुंदर है ये। आज मैं खाएगा मोमबत्ती नूडल्स। ये गेम देख मामू, अपुन तो गिर गया। आज बिल्ले के लिए स्पेशल मोमबत्ती। ले बिल्ले। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाग बीड़ू। भागो जहाँ तक भाग सको, मैं भी भागूंगा। किधर तक भागेगा? अब तो मैं गिरूंगा, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ मामू, अब उनको छोड़ दे, अपुन सरेंडर है। तो मेरे घर के अंदर मत आना। अब शांति से बचे हुए काम करूंगा। चिकन पक रहा है, दूध रख दिया, वेरी गुड। ये कपड़ा बिछ गया है और टेबल भी सज गया है। 9 बज गए। ये रहा क्रिसमस का सरप्राइज गिफ्ट भैया के लिए। अरे ये बेलगाम गाड़ी किसकी है? हो ना हो इसका ड्राइवर बिल्ला ही है। मैंने कहा था। ओगे मेरा प्यारा भाई, ओगे फिकर मत करो, ओगे तेरा भाई पहुंच रहा है। ओए ये कौन आ गया बीच में? अबे हट जा। ओए हट ओगे। अरे मैं ही हट गया। ओए ओए ओए, मैं तो गया और मेरी प्यारी गड्डी भी। ओए चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं घर जरूर पहुंचूंगा। ओगी मैं आ रहा हूं। ए, टाइम आउट हो गया। टेस्टी टेस्टी चिकन भी पक गया, दूध भी ले लिया, सब आ गया, लेकिन अब तक भैया नहीं आए। पता नहीं कहां रह गए, पर मुझे तो भूख लगी है। मैं शुरू करता हूं। कॉकरोच गैंग, मेरे मुंह से निवाला नहीं उतरेगा। बेचारे भूखे प्यासे कॉकरोच। कॉकरोच गैंग अंदर आ जाओ। बिल्ला मामू को मर रहे हैं। ये लो दूध पी लो। पी लिया, अब खाने कूदे बेचारे कॉकरोच। ओए बहुत भूख लगी है, जल्द से जल्द घर पहुंच के खाना होगा। ओए हट जा, खोद दूंगा। ओए हट जा, मैं आ रहा हूं। ओगी खा
खाना पीना मस्त था रे। थैंक यू। और ये गया पीछे, ये भी गया, ये भी, कुछ नहीं चाहिए, सब कूड़े में फेंक दूंगा। बिल्लो रुको। बिल्लो मामू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। ओह थैंक यू एंड सेम टू यू। और ये तेरे लिए गिफ्ट कॉकरोच गैंग की तरफ से। थैंक यू। क्या है इसमें? खाया हुआ खाना। कितना प्यारा है ये। मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। ये रहा कॉकरोच गैंग के लिए सरप्राइज गिफ्ट। एक बिल्लू, मामू ने क्या दिया इसमें? कॉकरोच मारने का स्प्रे? अरे नहीं नहीं नहीं, चलो कॉकरोच बिल्ला खेले। आज मैं कॉकरोच और तुम लोग बिल्ले। ओए मुझे छोड़ दो बिल्ले, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे स्प्रे करूंगा। ए मैं तो गया, ए मैं तो वापस आ गया। ओए लगता है मैं घर आ गया। ओए ये क्या, ये क्या चल रहा है मेरे घर में? नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या ले, स्प्रे छोड़ दिया। ए मैं तो गया। मामू जल्दी से फोटो निकाल ले। स्माइल प्लीज। ओए इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा मैं, ये दरवाजा तोड़ दूंगा। ओए मेरा पैर ही टूट गया। आज तो घर में जाऊंगा और कॉकरोचों को सबक सिखाऊंगा। ए ये क्या बात है? और मामू ये है क्या? कुछ नहीं, सेंटा क्लॉज आ रहा है। हुँ? क्या बात है मामू, सेंटा क्लॉज आ रहा है, जल्दी जल्दी उतर मामू। मामू ये सेंटा क्लॉज का पैर तो फ्रैक्चर है। ए, आ गया सेंटा क्लॉज। ये तो भैया है। ओए मैं इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा। ओए 12 बज गए। ओए मेरी क्रिसमस हो गई। थैंक यू भैया। मेरी क्रिसमस कॉकरोचों, हमारी भी क्रिसमस मामू। मोमबत्ती जल गई है, अब सिर्फ केक काटने की देरी है। ये लीजिए भैया केक काटिए। ये तो बहुत बड़ा केक है, ये मत काट मामू। ए केक वापस दे दे। क्या ले रहा बाबा, तू ले। मैंने बिल्लू तू ले, तू ले बाबा तू ले। ओए तू ये ले। ओए मिल गया केक। ओए चले जाओ कॉकरोचों, तुम्हें कितना भी खिलाओ तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। चाहता रहा बाबा, चले जाओ। हाँ? चलो अब शांति है। केक बड़ा टेस्टी लग रहा है। ओए पहले तो एक केक खाता हूँ और अब ये मोमबत्ती भी खाऊंगा। भैया लो चला पटाखा आसमान में और शुरू हो गई आतिशबाजी। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हमारे भी क्रिसमस है बाबा। बाहर बर्फबारी, अंदर बिल्ले का पागलपन जारी। हे कहाँ गया मेरा खिलौना? ये खिलौना नहीं, खिलौने हैं। बन गया स्नोमैन, बस अब नाक लगाना बाकी है। अरे कहाँ गई नाक? काचर मस्त है रे बाबा। सही बोला भिड़ू। बहुत मजा आ रहा है। ये ले, ये भी ले, अब ये ले। मामू बम खा रहे ना तू? जब देखो खाता रहता है, खाता रहता है। अरे पप्पू काहे भाग रहा है? अपने साथ साथ वहाँ भी ले डूबेगा। रुक जा, मैंने कहा था दोस्त हो तो ऐसा। What a joke! Game over. अब दूसरा गेम। अरे तुम लोग कहाँ से मुंह काला करके आए? आए नहीं तेरे लिए कुछ लेके आए। ओए क्या लेके आए? ओए इसे छूना मत, होगी इसमें जरूर कोई चाल होगी, सुनने दे। ओए याद हो भैया? ओए रख अपने पास, मैं जा रहा हूँ। ओए मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, कहीं ये भावना फूट जाए। ओए मेरा सोफा। ओए रुक जा,
इसमें तो घड़ी है भैया, फिर भी मुझे डर लग रहा है। इसमें से कुछ बाहर आएगा, कहा था ना। हाँ भैया। ओए! घड़ी का पता नहीं पर बिल्ले के 12 बज गए। अच्छा क्या सरप्राइज है ना भैया। चलो अब छोड़ दो। ये क्या, भैया का भेजा ही बाहर निकला है। अब क्या होगा, बिल्ले की मशीन शट डाउन हो गई है। अब क्या होगा, बिल्ले का भेजा आउट ऑफ सर। रुक जाइए भैया, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भैया, ये क्या, ये बिल्ले का भेजा तो मस्त है रे बाबा। इसका तो मैं आज कीमा बनाऊंगा और मस्त तेल फ्राई करके खा जाऊंगा। मैं खाना छोड़ खेलने की सोच। अब बिल्ले के भेजे से दुनिया का हर खेल खेला जाएगा और बिल्ला सिर्फ सीटी बजाते रहेगा। ये लगा सिक्सर और गोल कीपर के हाथों आर पार करते हुए ये गया गोल। पपलू ने छोड़ा कैच। इस भेजे को किताबों में होना चाहिए। भेजा सिक्का बन गया, कमाल है। मौके को छोड़ो, मैं तो कॉकरोचों को उठाऊंगा। और इस प्रकार कॉकरोच ने बिल्ले के भेजे को बिल्ले के भेजे में भेजा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, आपका भेजा मेरी मुट्ठी में पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्ले का भेजा भी बिल्ले की ही तरह उछल रहा है। अरे अब क्या होगा, अब खिलौना बनेगा खलनायक। मामू, आप उनके ब्रेन में एक आइडिया घूम रहा है। हाँ। आप यहाँ शांति से बैठिए भैया। मामू, भैया शांति से बैठेगा लेकिन उसका भेजा नहीं। सेंटा क्लॉज को भागते हुए पहली बार देख रहा हूँ। अरे ये कहाँ गए? मामू, तेरे भैया को ड्राइविंग का बहुत अक्कल है। अब क्या, आ गए घर घर दूध पहुँचाने वाले कॉकरोच डेयरी फार्म। मामू, तेरा भैया देख खड़ी खड़ी हर पीछे लग रहा है। क्या हुआ मामू, तूने बिल्ले का भेजा तो नहीं फोड़ दिया? नहीं रे बाबा, भेजा इधर है। इसका क्या करने का? ये तो मलाई कुल्फी के माफ कर। कहाँ गया भैया का भेजा? चिकन में भेजा डाला तो चिकन बिल्ला हो गया मामू। कूदरा बनकर पेट में चूहे कूद रहे। भाग बिल्ले भाग, वरना तेरी तंदूरी बन जाएगी। भैया शायद मैंने उनकी आवाज सुनी थी। वह बिल्ले, आज तेरी करनी की वजह से बिल्ला अवन में है और अवन चालू है। अब तो असली मजा आ रहा बाबा। लो आ गया। आजा आजा, चिकन तंदूरी खाएगा? क्यों नहीं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। अरे इसे मत खाना ओगे, इसे पहचान, ये तेरा भाई है ओगे। चिकन पढ़ा लिखा लगता है। भैया ये चिकन नहीं है, मेरे भैया है। अब समझा, ये तेरा भाई है। चिकन तो बहुत लजीज था भैया का भेजा, ये भेजा अब उनके सर में भेजना पड़ेगा। ओए आगे, तेरा मुंह पोंछोगे। सॉरी। ओए भाई आ, गले लग जा। अब तू बैठ और देख मैं क्या क्या करता हूँ। क्या करेंगे भैया? मामू, अपू ने तो बिल्ले का मुर्गा बना दिया। ओए क्या बात है, तुमने तो मुझे मुर्गा बना दिया। सो स्वीट, तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम किया है। खाने की दावत हो और कॉकरोच गैंग मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ गए। पता नहीं भैया ने इन्हें दावत पे क्यों बुलाया। ओए खाना छोड़, मैंने तो इनके लिए गिफ्ट मिलाया। जब कोई ज्यादा अच्छे से पेश आए, समझ लो उसमें खतरा छुपा है। थोड़ा ही मारूंगा। हथौड़ा मार के बिल्ले ने कॉकरोचों का भेजा बाहर भेजा। अब कॉकरोचों की विकेट डाउन। आप क्या करने वाले हैं भैया? ओए तू बस देखता जा मेरा बदला। क्या किया आपने? फिकर नॉट होगी। फिकर तो अब कॉकरोच करेंगे, क्योंकि अब उनका भेजा फटकेगा और बिल्ला उनको पटकेगा। अच्छा है।
भैया आप तैयार? हाँ मेरे भाई। मैं भी तैयार। खिड़कियाँ बंद और टीवी शुरू। भाई मुझे ओलंपिक्स बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत मजा आएगा मेरे भाई। तेरे को कपड़ा धोने बोला था, धोया नहीं। सॉरी ना बाबा। देखा भैया गिरने वाला है। गिरना मत, गिरना मत। लेकिन भैया आप क्यों गिर गए? टीवी तो ठीक है ना? पता नहीं भैया, मुझे तो टीवी पे आप ही दिखाई दे रहे हो। भी कोई मारता है क्या? अक्रोचो, आज तुमने हमारे टीवी के बैंड बजाकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारी खैर। पूरी तरह तैयारी हो गई होगी। क्या बात है भैया, ये क्या है मामू? पता चल जाएगा। अक्रोच नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर वन। अब नहीं भागेगा मामू। नहीं भागेगा तो ये। मैं तो भागेगा बाबा, तू भी भाग टपलू। मैच तो मैं ही जीतूंगा। तू जीत जा लेकिन मुझे बचा ले। बोलो मत भागो, पैसा वसूल रहे से होगी। हाथ जोड़ो तो पूछो। चिंता मत मामू, तेरे को कान बदले में तो जा रहा हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। तू जीत गया, फिर भी अपन सेकंड है मामू। अरे मेरे को कोई पानी पिला दो रे। इसी के साथ कंपटीशन का पहला दौर खत्म। क्या बात है, मेडल लेने के लिए तीनों तैयार हैं। फर्स्ट को गोल्ड, सेकंड को सिल्वर। मेरे को भी कुछ दे दे रे। हारने वाले का बनेगा कचूमर। थर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। शॉट पुट, जो सबसे दूर गोला फेंकेगा जीत उसी की होगी, और जो हारेगा उसे मार पड़ेगी। कहता हूँ पर इस बार जीत के ही आऊंगा। मेरा गोला दे दे रे बाबा। हेलो। अरे इसको उठा ले रे बाबा। अरे गोला छोड़ो, ये गोली ले लो। ये गोली में फेंकेगा रे बाबा। कितना है भैया? पूरे 10 फीट। वेरी गुड। इस बार तो मैं ही जीतेगा रे। अब उनके रहते और कोई जीत नहीं सकता मामू। जा जा। ये क्या? ये तो इधर ही चला गया। इसका मतलब अब उनके हाथ में ताकत ही नहीं है। अब देख खिलाड़ी के हाथ की ताकत, अब उनके पैर की ताकत देख। अब उनकी तो बैंड बज गई भीड़ू। मैं तो हार गया। मतलब अब उन सेकंड। मेरे को मेरा गोल्ड मेडल दे दे। अब उनका सिल्वर मेडल। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये लो तुम्हारा ब्रॉन्ज मेडल। थैंक यू, तुम्हें एक सच्चे खिलाड़ी कॉकरोच की कदर है। ये लो, अब लो मेडल। सबके लिए नियम सेम है, हारने वाले को मार पड़ेगी। बोट गेट सेट गो। इस बार तो अपन ही जीतेगा भिडू, लेकिन कैसे? आइडिया। इस बार अपुन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग रोकेंगे रे। सही बोला, हल्ला बोल। ये टक्कर उठा ले रे बाबा। उठा लिया। हार गया। चीटिंग करने वाले का यही हाल होता रे। मैं फर्स्ट। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पेंसिल। तलवारबाजी शुरू। याद रहे तलवार में बिजली का झटका है। आज इस खिलाड़ी को एंग्री मत करना। तू क्या करेगा? मैं जीत गया, मैं जीत गया। अभी अपुन से लड़ना बाकी है पीड़ू। तैयार हो जा। आजा मेरे सामने, आजा मुझसे लड़ ले। ऐसा झटका दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। कहाँ है तेरी तलवार? ये देख। याद आ गई क्या? मामू इसका क्या करेगा? हारने वाले की बैंड बजाऊंगा। चपलू से होशियारी करे। जूडो। तैयारी हो गई मेरे भाई। तो रुके क्यों हो, शुरू हो जाओ। तो इसने तो मेरे को उठा लिया।
को देखता क्या है देना दन। रुक जाओ, एक दूसरे को छोड़ो। अपुन तो फंस गए ना। रुको, मैं अलग करता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। जूडो में तो कोई नहीं जीता। ड्रॉ। हॉर्स राइडिंग। रुक जा भाई, रुक। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। अपुन की तो बैंड बज गई। मैं तो लटक गया। क्या हो रहा है लड़कों? कॉकरोच खेलते गए, जो जीता उसे इनाम, जो हारा उसे पिल्ले के बाद, और अंत में अब तो मैं थक गया। ओए पर हमें बड़ा मजा आया, लगता है हमारा पार्सल आ गया। भैया देखते हैं आपका नया टीवी सर। वाह क्या बात है, अब हम हंसते हैं देख सकेंगे, उसमें कॉकरोच तो नहीं होंगे। थैंक यू पॉज वाले भाई। मैं तो खुशी के मारे देख रहा हूँ, लगता है दोनों भाई पागल हो गए। अब तैयार है खिड़कियां बंद और नया टीवी शुरू। क्या बात है बीड़ू, नया टीवी बॉक्सिंग देखने में बहुत मजा आएगा। टीवी टूट गया, इसने फिर से टीवी तोड़ दिया। बाबू अपुन को छोड़ दे, अपुन तेरे टीवी का पैसा दे देगा इंस्टॉलमेंट में। इसका टीवी तोड़ा ये क्या? बिल्ला रात को सोने की बजाय ये क्या कर रहा है? कितना खूबसूरत है ये मंगल ग्रह। मामू मैं तो डर ही गया था। मामू तू तो सॉलिड डर गया। बहुत हंस रहा है तू। अब ये कभी हंस नहीं पाएगा। चलो सिपाही आओगी, काम खत्म हुआ। इस मामू की तो मैं बैंड बजा दूंगा, लेकिन कैसे? आइडिया, मामू इसके तकिए के नीचे जरूर कुछ होगा। च्युइंगम, अभी बैंड बजाता हूँ। अब ये च्युइंगम इसके दूरबीन के कांच पे छिड़का देता हूँ। चलो अब कुछ नया देखते हैं। हाँ ये क्या है, जरा देखो तो। ये क्या है? ये पृथ्वी से टकराते ही पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बताऊं? भैया भैया उठो। ओए क्या हुआ? हुआ नहीं भैया, होने वाला है। भैया आसमान में देखिए ना प्लीज, बहुत डरावना है भैया। देखू तो? अरे फिर से देखने दे, ये तो खतरा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। ओए क्या करूं, कहां जाऊं? मैं जा रहा हूं पृथ्वी से दूर जा रहा हूं मैं। ये तो कैसा बौखला गया बाबा। काम शुरू। ये क्या, कॉकरोच ये नया रास्ता क्यों बना रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मामू ये रहा कचरे का बोर्ड। या बिल्ला, क्या हुआ, कैसा है रे बाबा? हालत खराब हो गई है। ये क्या, समझा, कचरे की गाड़ी के लिए रास्ता था, मुझे बाहर आने दो। है थैंक यू वेरी मच रे बाबा। मामू किधर गया वो? इस बम में टाइम लगा के बिल्ले के बिल में डाल देता हूँ। बिल्ले की तो बैंड बजने वाली है, और मैं उसमें मिट्टी डाल देता हूँ। कहीं वो मेरे सर पर ना आ गिरे, अगर गिर गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो एंजल बन गया। अब मैं म्यूजिक बजाते यहाँ की सैर करूंगा। कितना अच्छा होगा ना अगर मैं एंजल बन जाऊं। लेकिन उसके लिए मुझे खुशियां बांटनी पड़ेगी, सबको खुश रखना पड़ेगा। भैया आप भी खुश रहो, खुश रहो, सब लोग खुश रहो। इससे क्या हो गया? खुश रहो, सब लोग खुश रहो, पेड़ों पत्तों के सब खुश रहो। मुझे एंजल बनना है, बॉब खुश रहो। आहो मैं खुश हूँ, पर तू मेरे खाने पर खड़ा है, मैं नाराज हो गया। अब मैं तुझे खुश रहो,
मैं इस नाव को बनाकर पृथ्वी से कहीं दूर चला जाऊंगा। मामू दूर तो हम लोग तेरे को भेजेंगे। अल्लाह बोल पबलू। बोल दिया और रास्ता खोल दिया। बस ये नाव जल्दी से तैयार हो जाए। आहो रात में नहाओ सुबह में सो जाओ। आहो आहो ये नाव किसने लाए? बस 10 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। काम तो मैं तेरा पूरा करूंगा। टक 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 टक। ओए नाव तो नहीं बनी लेकिन मैं टूट गया। मैं इस संकट को मंत्रों से नष्ट करूंगा। ए सुन ये देख। ये क्या है भैया? हम दोनों मिसाइल में बैठेंगे, पृथ्वी के बाहर जाएंगे और उस ग्रह को तोड़ देंगे। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा है भैया। तो तैयार रहना होगी। हाँ भैया तैयार हूँ। बस 2 मिनट में हम उड़ जाएंगे। तू जलाल तू भाई बला को डाल तू। रस्सी लगा दिया ना बाबा। काम हो गया मामू। चल अब इसे उड़ाता हूँ। डाल तू जलाल तू भाई बला को डाल तू। देख देख कैसे उड़ेगा मामू। बिल्ला ज्यादा मत उड़ वापस नीचे आ जाएगा। रस्सी खत्म अभी इसकी बैटिंग भी खत्म। ओए हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? पता नहीं भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। रुक जा स्पीड बढ़ाता हूँ। बिल्ला तू कितनी भी स्पीड बढ़ा ले तू आगे नहीं जा पाएगा। नहीं मैं और बढ़ाऊंगा। क्या क्या दुनिया इधर की उधर हो गई। पता नहीं बिल्ला और क्या क्या करेगा। क्या इसका तो पेट्रोल खत्म हो गया। वो ये तो रुक गई। अब क्या करूं? भैया जरा पीछे तो देखिए। ये क्या मुझे डर लग रहा है। मुझे भी लेकिन डरने से क्या होगा ये तो अपने तरफ ही आ रहा है। हाँ भैया। ओए ये हम लोग कहाँ आ गए? इतने अलग अलग देश यहाँ कैसे आ गए? क्यों होगी क्यों? पता नहीं भैया पर मुझे इतना पता है कि ये लोग हमें बहुत मारने वाले हैं। ए हमें मत मारो। छोड़ दो हमें। ओए कितने साल हो गए भैया हम इस जेल में दिन काट रहे हैं। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो प्लीज छोड़ दो मुझे। ये क्या? ये तो च्युइंगम है। मतलब हम लोग संकट समझ रहे थे वो एक च्युइंगम निकला। देखो भैया देखो। यहाँ दे ले मैं तेरे संकट को निकल गया। भैया पूरी तरह पागल हो गए हैं। सब कुछ उन कॉकरोचों की वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया जब सोते हैं तो 11 मुल्कों के लोग सो नहीं पाते। ये कौन अपनी नींद की वाट लगा रहे ले? अबे चुप रे मामू। अरे सुन रहा है ये दुएक। अरे बाबा बोला ना चुप बैठ थोबड़ा बंद कर अपना। अरे बाबा सुनता ही नहीं अपुन का। अभी तो इसको सुनाज पड़ेगा मामू। अभी अपुन आ गए ले। भीड़ लोग दे दो इसको खर्चा पानी। ग्रेसर होंडी अपुन का तो दिमाग ही छिला डाला। हाँ भीड़ लोग नीचे जाओ। आ गया रे बाबा। सोने दो पापा। अरे पहले ये बताओ कहाँ जा रहे हैं? ये बिल्ले का दिमाग है जो पहले से ही खराब है। ये कॉकरोच मिलके उसकी वाट लगा देंगे। अच्छा है। अबे आँख खोल मामू ये मस्त है। अबे हंस। पापा
अब पेट में लोचा। ये क्या हो रहा है पापा? बैड मैनर्स भैया, ये अच्छी बात नहीं है। अरे पर भाई, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ लोग काम शुरू करो। बिल्ले की हजामत शुरू। भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? भैया दिमाग हिल गया मामू, मेरा चश्मा। भैया पेट को आराम दो, ये लो गैस की दवा। इसकी जरूरत तो है, पर क्या जरूरत है भाई? इसका पेट नहीं दिमाग साफ करने की गोली दे आगे। राइट। अब इसमें थोड़ी सी हवा भर के आराम से हवा खाते हुए सो जाऊंगा। हवा आई, हवा आई, हवा हवा आई। ओए दे दो इसको खर्चा पानी। ओके। ये देखो बिल्ले की बिल्ली चक्कर। अच्छा है। चलो सोने का टाइम हो गया। आज ये भैया को क्या हुआ पता नहीं। ये क्या कर रहा है बिल्ले? एक दिन इस गड्ढे में तू ही गिरेगा, याद रख। ये क्या, अचानक दिन में रात कैसे हो गई? ए कीड़े, चल भाग यहाँ से। अरे कुछ समय पहले यहाँ भैया थे, कहाँ गए? एक हजारों में मेरे भैया है। तेरा भैया हजारों में नहीं, लाखों में एक। हजारों लाखों में नहीं, तेरा भैया पूरी दुनिया में एक ही है। ये देख कैसा फल फला रहा है। भाग जा, इज्जत प्यारी है तो भाग। भैया वेरी गुड। भैया ओए, मैं निकला गड्डी लेके। ओए मैं निकला चड्डी लेके गार्डन में सुखाने को। एक मोड़ आया। ओए कंट्रोल यार, पापा बचाओ। देखा बिल्ले, मैंने कहा था ना एक दिन इस गड्ढे में तू ही गिरेगा। बिल्ला था बड़ा चंगा, कॉकरोचों ने कर दिया दंगा। अच्छा वाह, क्या मस्त खुशबू है, टेस्ट भी अच्छा होगा। भैया खाएंगे आप? ये तो मैं खाएगा रे। पहले मैं ठूसूंगा, कान में ठूसेंगे। वाह, शुरू हो जा रहा बाबा। ये क्या, भैया तो कान से खा रहे हैं। चबना नहीं। छूट गया खाना, बिल्ले तू धरती की सैर करके वापस आना। डोंट टेक टेंशन, आई गॉट कुशन। भैया तबीयत हुई लूज तो पियो जूस, तोड़ दूंगा ये खास पोस। अरे ये चलता नहीं है भिड़ू। अब इतने किसको कैसे जगाता हूँ? तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। 2.5 किलो का हाथ, मैं तो 2.5 ग्राम बन गया। ये ले। अब बनेगा बिल्ले के चेहरे का भाता। ये भैया के शरीर में कौन आ गया है जो अपना ही सर पटक रहे हैं? भैया कॉकरोच है, कॉकरोच पीड़ू लोग दे दो इसको खर्चा पानी। क्या बच्चे का कान उखाड़ेगा? बिल्ले के दिमाग में शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो रहा है? भैया सोडा पी लो। भैया सिर्फ सोडा? सुनामी बाबा। पानी कान के अंदर, कॉकरोच बाहर। शाबाश बिल्ले, क्या दिमाग लगाया है। बाबा उठा ले रे। निकाल बिल्ला निकाल, कॉकरोच तो निकाल नहीं पाया, कम से कम पानी निकाल। सही है बिल्ले। ये क्या कर रहा है बिल्ले? सीख अपने भाई से, सीख।
अच्छा आने दे बिड़ू, सामान नीचे आने दे, हल्ला बोल लेकिन धीरे से। बोल रहा है बाबा, ये ला छोड़ दिया हथियार। आने दे बिड़ू, आने दे थोड़ा और नीचे आने दे। शाबाश बिड़ू, अभी खाली फिटिंग बाकी है, हो गया। बेटे बस। चलोगी, सुबह हो गई, उठ जा। पता नहीं आज अचानक मुझे मेरा मुंह इतना भारी क्यों लग रहा है। शायद टॉयलेट जाने के बाद पेट के साथ साथ मुंह भी हल्का हो जाए। रोज सुबह ब्रश करना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। ये क्या, ये निकल क्यों नहीं रहे हैं? निकल जा, प्लीज निकल जा, जोर लगा के। मैं तो थक गया। चलो नाश्ता तो कर लूं। ब्रेड तो गया साथ में, हाथ भी। कॉकरोच गैंग अमर रहे। इन दांतों का वजन मुझसे सहा नहीं जा रहा। लगता है दांत मुझे चैन से बैठने भी नहीं देंगे। पता नहीं इनसे कब छुटकारा मिलेगा। बचाओ, मुझे बचाओ। बांध ले रस्सी दांतों में, अभी रस्सी उठाएंगे तेरे दांतों का भार। डटे रहना होगी। ढल गया दिन, हो गई शाम, ढल गई शाम, हो गया दिन। अच्छा है। बिल्ला क्या कर रहा है बाबा? मामू, ये रस्सी क्यों बांधे लाए दरवाजे में? दरवाजा खुल नहीं रहे क्या? तुम लोगों ने मुझे ये जो दांत लगाए हैं ना, उसके लिए। ओके मामू, तो अभी हम लोग की वजह से ही तेरी और बैंड बजने वाली है। चलो निकल। नहीं छोड़ूंगा। आज ये झाड़ू और स्केटबोर्ड है, इसीलिए मेरा मुंह बचा हुआ है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? आइडिया बॉब। बॉब फिलहाल घर पे है या नहीं? है तो सही। ओगी हो गया काम। बॉब मेरे दोस्त, अब तुम ही मेरे दांत निकाल सकते हो। मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ। अहो, इसकी खुशबू तो देखो, मेरा तो मन ही खुश हो गया। अब आएगा मजा। हाय बॉब। ठक टिक करूंगा। करो ना मेरे दांतों पे ठक टिकी। आओ तू चला जा मेरे प्यारे प्यारे फूल। ये ले। हिचका। हिचका नहीं, ठक टिकी। लगता है आज तू ठक टिकी के मूड में। थैंक यू। ठक टिक। ये ले तेरे दांत। थैंक यू बॉब, थैंक यू वेरी मच। अब इस सिचुएशन में सिर्फ भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो भैया, जल्दी आइए भैया, कॉकरोच ने मेरे दांत। इसे क्या हो गया? जल्दी आइए, बॉब ने मेरे दांत तोड़ दिए। भैया मेरे मुंह में दांत फंस गए हैं। फोन रखिए भैया। ओके होगी, मैं आ रहा हूँ। होगी, घबराना नहीं होगी, तेरा भाई पहुंच रहा है। होगी, मैं आ गया। होगी, बोल तुझे क्या हो गया मेरे भाई? कुछ नहीं भैया, मेरे मुंह में दांत अटक गए हैं। तेरे मुंह में दांत अटक गए हैं, ये सुन के मेरी सांस अटक गई। भैया फिकर मत करोगी, आज मैं तेरे दांत निकाल के ही रहूंगा। हाँ भैया, लेकिन जल्दी करना। ओए फिकर मत कर, जल्द से जल्दी निकालूंगा। ओए थक गया, थोड़ा पानी पी लूं। हाँ अब ठीक है, तू पिएगा? नहीं भैया। ओके तो चल फिर से शुरू करते हैं। वाह क्या बात है, आज बिल्ले के दांत टूटे ना टूटे, लेकिन बिल्ला जरूर पूरा टूट जाएगा। अच्छा मैं तो पूरा थक गया। भैया दांत कैसे निकालेंगे? आइडिया। ओगी तू तैयार है ना? हाँ भैया एकदम तैयार। तो चल मैं गाड़ी शुरू कर रहा हूँ। चल मैं निकल गया हूँ गड्डी लेके। निकल गए क्या? दांत तो नहीं निकले भैया, लेकिन मैं घर से निकल गया। रेडी भैया, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मेरी तरफ से भी नहीं, मैं फिर से निकल रहा हूँ गड्डी लेके। सिर्फ गड्डी नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा घर लेकर। निकल गए क्या? भैया दांत तो नहीं निकले, पर पूरा घर जगह से निकल गया।
फिक्र मत करना होगे, इस बार फौजी का निशाना नहीं चुकेगा और तेरे दांत जरूर निकलेंगे। भैया आपका निशाना नहीं चूका, लेकिन मेरा निशाना चूक ही रहा है। देखा, मेरा निशाना फिर से चूक गया। ये क्या हो गया? कुछ कीजिए ना भैया। मचा गया रे बाबा। नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मेरे बड़े वजनदार दांत चले गए। कितना अच्छा लग रहा है भैया। थैंक यू भैया, आप मेरे लिए अपना फालतू टाइम निकाल के आए। ये सब मेरे 2.5 किलो के हाथ का कमाल है। बाय भैया। निकल ले भीड़ू, तेरा दिमाग की बत्ती जला क्या? जली ना भीड़ू। आज मैं सीखूंगा पौधे कैसे उगाते हैं। ओके। अरे वाह, ये कितना अच्छा प्रोग्राम है, कितना मजेदार है। ये तो कमाल है। ये ले पपलू, भर ले तेरा पेट। पपलू 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 पपलू, काम हो गया रे बाबा। बीड़ू, पिछली बार दांत लगाए, अभी तोड़ेंगे। क्या बात है। लगता है मेरे दांतों की बैंड बज गई। तुम लोगों ने मेरे दांत तोड़े, दांत के बदले दांत। अब उनकी तो बैंड ही बज गई। बौखला गया रे बाबा।